न्यू व्लॉग, न्यू डे, हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, न्यू डे। सो आज का हमारा व्लॉग है हमारी सोसाइटी के कंपाउंड में, यानी कि हमारे स्ट्रीट मार्केट में, जिसमें हम सब बैठे हैं। हमारी महफिल लगी हुई है। संजना है, अंकिता है, हमारे चैनल ट्रैवलर कैप्चर में। सो आज का हम लोग जो शूट कर रहे हैं वो बिग बॉस के वोटिंग पर आधारित है कि हम लोग ये गेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कल ग्रैंड फिनाले है और हम लोग यहाँ पर अब सब आए हुए थे गोलगप्पे खाने, तो सोचा क्यों ना व्लॉग शूट किया जाए। तो हमारे साथ संजना है, अंकिता है, यहाँ पे हमारी लाडली गरिमा है, उज्ज्वल है, और आफ्टर ऑल मेरा ही पति शूट कर रहा है, निखिल द बॉस, मैं भी हूँ। तो yes. उसके बाद जो अभी निखिल के कुछ क्वेश्चंस हैं ग्रैंड फिनाले को लेकर, वो वन बाय वन सबसे पूछेंगे और बताएंगे आपको आंसर अपनी सोच के अनुसार। बार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। सवाल करते हैं उज्ज्वल से। सो उज्ज्वल बताइए, आपको क्या लग रहा है कि फाइनल में कौन पहुंचेगा बिग बॉस में? मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस के फाइनल में जो लोग पहुंचने वाले हैं, अगर मैं टॉप थ्री की अगर मैं बात करूं तो वो होने वाले हैं नेजी द बाबू। इसका नाम मत भूलिए, इट्स नेजी द बाबू, नेजी द बाबू। और तीसरा हमारे साथ होने वाले हैं रणबीर शोरे। ओके, तो आपको क्या लगता है कि तीनों फाइनलिस्ट में विनर कौन हो सकता है? तीनों फाइनलिस्ट में मुझे लगता है जैसा कि आपने बोला थोड़ी देर पहले, रणबीर ही जीत सकते हैं। तो क्यों जी सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली अगर दोनों के साथ में उनकी पर्सनालिटी देखूं तो काफी रियल लग रही है मुझे वो बिग बॉस में। नहीं, वो तो एक्टर है उनकी, वो तो सही लगेगी। मैं भी एक्टर हूं इसीलिए परख पा रहा हूँ, बट हाँ मतलब वो मुझे लगता है कि वही जीतेंगे। सबसे पहले उनके पास अपना ऑलरेडी कनेक्शन, नेटवर्किंग ऑलरेडी है क्योंकि उन्होंने एक्टिंग की हुई है और काफी की हुई है, काफी पहले से भी की हुई है। मैंने सुना कि उन्होंने पूजा भट्ट को भी डेट किया। अच्छा, और इसलिए मुझे लगता है कि रणबीर शोरा प्लस बिग बॉस में जो उनका रोल रहा अभी तक, सब लोगों ने उनको अपने आप एक्सेप्ट किया है। उन्होंने थोपा नहीं कि मेरी बात सुनो, लोगों ने सुनना शुरू किया। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि कृतिका क्यों नहीं टॉप थ्री में आ सकती है? कृतिका क्यों नहीं आ सकती? ओके, वो मुझे इसलिए ऐसा लगता है, अगर आप जैसा कि बिग बॉस आप सभी देख रहे हैं तो आपने देखा होगा उसके लिए काफी बार यूज हुआ है कि पूछ पकड़ के आ गई है किसी की, वो बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं। अरमान की पूंछ पकड़ गए। एग्जैक्टली, तो सच बताऊं तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो सिर्फ अरमान की पूंछ पकड़ के आई है। अगर आप कृतिका का रोल देखोगे तो मुझे सिर्फ अभी तक सिर्फ रोल में उन्होंने खाना बनाया अच्छा, और कपड़े भी चेंज किए। अपने पहाड़ी ढाबा किचन से भी बुला सकते थे किसी को, वो भी खाना बढ़िया बनाते नहीं, और कपड़े भी बार बार चेंज किए उन्होंने, कपड़े भी चेंज करे, वो भी हस्बैंड के कहने पर भाई। यस, हस्बैंड के कहने। मतलब मुझे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने किया है याद नहीं है अभी तक इस बिग बॉस में, मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्विंग है। अभी तक उनको जो वोट्स मिल रहे थे वो उनके इंटरेक्शन और अरमान की वजह से मिल रहे थे, अब तो वो भी नहीं है। राइट, करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि टॉप थ्री फाइनलिस्ट में कौन कौन हो सकता है बिग बॉस के? ओके, नंबर वन मुझे सना बहुत पसंद है, सना। सेकंड रणबीर जी, और थर्ड आई गेस नेजी। ऐसा क्यों लगता है आपको सना मकबूल टॉप फर्स्ट में आ सकती है? मुझे उसकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आ रही है, बंदी जो बोलती है उस पर खड़ी रहती है, चाहे सारे उसके अगेंस्ट हो पूरे घर। आपको नहीं लगता वो चुगलियां बहुत करती है? करती है, सारे ही करते हैं, कौन नहीं करता चुगली? रणवीर नहीं करता, अरमान नहीं करता, सारे करते हैं। बट रणवीर की चुगली थोड़ी सी डिसेंट होती है, उसकी थोड़ी सी लड़ाई लगवाने वाली होती है। हो सकता है ऐसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे, अगर पूरे टाइम कोई एक बंदे के ऊपर चढ़ा रहेगा ना, वो चुगलियां करेगा ही करेगा। तो मुझे सना पर्सनली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लग रही है। अच्छा, और सेकंड नंबर में क्या बोला था आपने? चाहती नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली रणवीर। रणवीर, आई डोंट लाइक हिम। अच्छा, ओके, एंड टॉप एंड थर्ड नंबर पे आई थिंक नेजी। नेजी, नेजी की कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता है, और मतलब मिक्स करके रहता है वो। है, बट वो एक रियल पर्सनालिटी में भी है ना शो, उसकी पर्सनालिटी वैसी, और वो आई गेस लोगों को पसंद भी आ रही है। बंदा कभी भी बोल देता है मेरा जो मन करता है मैं वैसे ही हूँ, मन नहीं है उठने का, नहीं उठ रहा, नहीं करा उसने घर में कुछ, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग बाहर काफी सही है। तो मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ बिग बॉस में खाने के लिए आया है। हाँ, सही है ना, उसका वेकेशन हो गया, साथ साथ हो सकता है जीत भी जाए। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा तो एमसी स्टैन, उसने क्या किया था घर में, पर जीता ना फैन फॉलोइंग, तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद नहीं। गुड, थैंक यू। आपके लिए हमने एक मिनट वेट कर लिया है, तो अभी हम कुछ सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछ लें। तो आपको क्या लगता है बिग बॉस में टॉप थ्री फाइनल कंटेस्टेंट कौन है? शुरू करें यार, ये खुद ही अगर मेरे को हजिया जाती है, देखो तेरे को यहाँ पे देखना है। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर,
तो अंकिता हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको कौन लगता है कि टॉप 3 फाइनलिस्ट कौन है बिग बॉस के? ओके, मुझे लगता है कि फर्स्ट पे नाम भूल गई वो नाम क्या फिर से करो। फर्स्ट कंटेस्टेंट फर्स्ट फाइनलिस्ट होगा साई, सेकंड होगी सना, रणबीर मुझे खास पसंद नहीं है बट फिर भी ही स्ट्रॉन्ग, तो आई गेस ही विल बी थर्ड। तो आपको साई फर्स्ट में क्यों लगते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, अपने काम से मतलब रखता है और किसी से ज्यादा झगड़ता भी नहीं है। तो शिल्पा आपको क्या लगता है कौन डिजर्विंग है टॉप 3 फाइनलिस्ट में बिग बॉस के? देखो मेरी फेवरेट जो है वो है सना मकबूल क्योंकि उसका ये, अगर सेकंड कंटेस्टेंट की बात हम करें तो रणबीर शोरे, और अगर थर्ड कंटेस्टेंट की बात करें तो मैं नेजी का नाम लेना चाहूंगी। हाँ, टॉप फर्स्ट में क्या बोला आपने? तो फर्स्ट में मैंने सना मकबूल का नाम लिया। क्यों आपको अच्छी लगती है सना मकबूल? सना मकबूल बहुत रियल है, अगर वो किसी के भी अगेंस्ट बोल रही है तो वो किसी के अगेंस्ट है तो वो अपने वहीं पर स्टैंड करती है। अगर सब लोग उसके अगेंस्ट हैं और उसने बोल दिया कि ये चीज होगी तो वो यही चीज होगी, चाहे उसको उसके लिए सब लोग उसको एलिमिनेशन में भी क्यों ना डाल दें। तो आपको नहीं लगता वो थोड़ी सी बायस्ड है वो तीन मतलब सेकंड ग्रुप के साथ? बायस्ड कौन नहीं है, सबके अपने अपने ग्रुप है यार। यहाँ पे रणबीर क्या बायस्ड नहीं है कि आपने वो वाला टास्क नहीं देखा? हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से आपको क्या लगता है कौन 3 कंटेस्टेंट होंगे जो फाइनल तक जाएंगे? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फर्स्ट पे रणबीर रहेगा। ओके, और रणबीर रहेगा क्या, मुझे लगता है वही जीतेगा। ओके, और सेकंड पे जो है वो सना मकबूल रहेगी, थर्ड पे जो है वो साई किशन रहेगा। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि रणबीर ही जीतेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर इसलिए जीतेंगे क्योंकि वो हर डिसीजन जो है सही से करते हैं और बायस नहीं रहता, वो ग्रुप्स में खेलते हैं बट बायस नहीं करते। जहां पे एक टास्क हुआ था जहां पे उन्होंने उनको एज ए वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूट करी थी, उन्होंने एक्चुअल वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूट करी थी, और हालांकि उसने कटारिया ने उनको थोड़ा सा तंग भी किया था, लेकिन तंग करने के बाद ऑल दो उन्होंने क्या करा कि दूध और अंडे जो है वो अपनी टीम को दे दिए थे, वो सिर्फ कटारिया की वजह से, ऑल दो उन्होंने डिसीजन जो फेयर डिसीजन लिया था। तो इसलिए मुझे लगता है वो अपने डिसीजन में फेयर रहते हैं और सही खेल रहे हैं, मुझे लगता है वही जीतते थे। करेक्ट, साथ में वेजिटेबल्स भी दी थी उनको। निखिल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कृतिका और नेजी बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में पहुंचना डिजर्व नहीं करते? क्योंकि जो नेजी है वो भी पूंछ पकड़ के आगे बढ़ रहा है और कृतिका जो है वो भी पूंछ पकड़ के आगे बढ़ रही है। कृतिका जो है वो अरमान की पूंछ पकड़ के आगे बढ़ रही है और नेजी जो है वो सना मकबूल और पहले सना सुल्तान की पूंछ पकड़ के आगे बढ़ रहा था। तो दोनों की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, जो नेजी है वो सिर्फ खाता रहता है, उसको कुछ भी काम करने का वो नहीं है इसको, और जो कृतिका है वो बस कपड़े बदलने के लिए मानी गई है। तो दोनों की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, जो इन्वॉल्वमेंट मुझे लगती है वो रणबीर की लगती है या फिर सना मकबूल की लगती है। हालांकि साई केतन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत कम है बट मेरे हिसाब से जो है वो रणबीर टॉप पे आने चाहिए। ठीक है, यू गॉट अ पॉइंट। थैंक्स निखिल अपने आंसर शेयर करने के लिए हमारे साथ। उजड़े चमन, और आप फेसबुक पे देखते हो? फेसबुक पे उसको लिखा था ना, अरमान हवस के पुजारी क्या कर रहा है। सुना आपने ऐसा?